नमस्कार दोस्तों, आपको हम जो पटना का अशोक राजपथ है उसकी कुछ पुराने यादें आपको दिलाते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज हम अशोक राजपथ जा रहे हैं तो उसी में आपको कुछ जो पुरानी यादें हैं, कुछ लोग पटना खाली करके चले गए होंगे तो पुरानी यादों को देखिएगा। अशोक राजपथ में जो कुछ बुक का स्टॉल है उसे भी हम आपको दिखाएंगे और जो गंगा साइड में चलेंगे वहाँ पर भी थोड़ा आपको दिखाएंगे। हम लोग जो है कृष्णा घाट पर जा रहे हैं। जो कृष्णा घाट आपका है, एक साइड आपके इस साइड में आपके पटना कॉलेज है और एक साइड में आपके साइंस कॉलेज है, उसी के बीच में रास्ता है। इस रास्ते के माध्यम से आप जो है कृष्णा घाट पर जा सकते हैं। और देखिए, आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अभी वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है तो इस समय पटना में बहुत ज़्यादा भीड़ आ गया। जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद सबसे अधिक जो पीक पर अभी पटना में स्टूडेंट है अभी ही है, लगभग सारे लॉजें फुल हो चुकी है। तो आप देख भी सकते हैं कि इस समय तक जो है लगभग आज से दो महीना पहले तक बहुत कम लोग चलते थे इस इलाके में, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और संडे भी है तो भीड़ है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पहले होता था 1-2 लोग आते थे, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ आ गया है। यहाँ पर देखिए पटना रास्ता, जो पटना कॉलेज है, ये पटना कॉलेज जाने का रास्ता, इधर से पीछे से इसे पटना कॉलेज में लोग जा सकते हैं। देखिए ये कृष्णा घाट है, ये आपकी कृष्णा घाट है और साइड में आपके ये गंगा है। गंगा में जो पहले के मुकाबले पानी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गंगा के जो किनारे हैं साइड में वहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था बनाया गया है, ताकि अगर आप घूमने के लिए आएँ तो यहाँ पर आसानी से बैठ सके और अपना जो भी टाइम है काटना बिताना जो भी चाहते हैं आप लोग यहाँ पर आके आराम कर सकते हैं। और जो उधर आपके पटना NIT घाट है वहाँ पर गंगा आरती चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको हम पुराना वीडियो बना भी चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कि जो पटना में गंगा आरती है वो किस प्रकार से होता है। और जो आप सामने में एक फ्लाई ओवर देख रहे होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं पटना का मरीन ड्राइव। अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन ये सरकार का प्लान है कि इसे जल्द ही चालू कर देना, सरकार का प्लान है। और देखिए गंगा में पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप देखिए आपको जहाँ तक भी दिख रहा होगा पूरा पानी ही पानी दिख रहा होगा। और कुछ समय में जब यहाँ पर आइएगा, आज से 15-20 दिन के बाद, तो ये सारा जो बैठने का जगह है ये लगभग डूबा हुआ पानी में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी आ जाता है लगभग। ये जो सीढ़ी पर ये बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ तक लगभग ये पानी पूरा तरीके से डूब जाता है। देखिए अशोक राजपथ, ये मेन अशोक राजपथ है जहाँ किताब का स्टॉल है। अब इधर कितना भी दूर जाइएगा सारे आपको किताब मिलेगा। देखिए फाइनली हम लोग रूम पर वापस आ गए हैं और ये भींग गए रास्ते में, क्योंकि रास्ते में बारिश हो रहा था और शाम में कुछ खाना भी चाहिए, तो हम लोग साथ में एक बिस्किट ले लिए हैं और इस बिस्किट को खाएंगे। देखिए ये एक अपना बिस्किट है, शाम का नाश्ता होगा, उसके बाद खाना वाना बनाया जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।